बनाने के लिए सबसे पहले आलूओं को हमने बॉईल कर लिया है, अब इसको हम पील कर लेंगे। अब आलूओं को हमें अच्छे से मैश कर लेना है। आलूओं को हमने अच्छे से मैश कर लिया है, आइए मसाला बना लेते हैं। तो मसाले के लिए सबसे पहले मैंने गर्म पैन में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ऐड किया है, तेल इसमें हम ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है तो सबसे पहले हम इसमें ज़ीरा डालेंगे और थोड़ा सा राई डालेंगे। ज़ीरा और राई हमारा तड़क चुका है तो अब यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली और गार्लिक ले लिया था और उसको कूट लिया था। अब इसको मैं थोड़ा सा वो कर लूँगी, सॉटे कर लूँगी। इससे हमारे आलू पराठे का जो फ्लेवर होता है बहुत बढ़िया आता है। अब इसके बाद मैं बारीक चॉप किए हुए अनियन ऐड करूँगी। ध्यान रहे कि हमारा जो गार्लिक और ग्रीन चिली का वो है ठेचा है वो जले नहीं। अब इसके बाद अनियन को हम अच्छे से 2 मिनट तक भूनेंगे। अब प्याज को भूनते हुए 2 मिनट हो गया है। अब यहाँ पे मैं सॉल्ट ऐड करूँगी, उसके बाद धनिया पाउडर ऐड करूँगी, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा चाट मसाला। अब इन सबको भी अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। आप इस तरीके से आलू का पराठा बनाएंगे तो आप सारे तरीके भूल जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब टेस्ट देता है और सर्दियों में तो इसका अपना ही अलग मज़ा है। यहाँ पे ये जो मसाला है हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है तो अब इसको हम क्या करेंगे कि आलू में ट्रांसफ़र कर देंगे। आपको ध्यान रहे कि आलू हमें गर्म कढ़ाई में नहीं डालनी है, नहीं तो आलू बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए सारा मसाला हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे हम चॉप किया हुआ धनिया पत्ता भी ऐड कर देंगे। अब इन सबको अच्छे से हम मिला लेंगे। अब यहाँ पे मसाला हमारा पूरी तरह से तैयार है पराठों के लिए। तो चलिए आइए अब हम पराठे बना लेते हैं। आलू के पराठे के भरने के सबके अलग अलग अपने अपने तरीके होते हैं तो मैं आज आपको अपना तरीका सिखाऊंगी। इस तरह से मैंने क्या किया है कि बड़ा सा एक चपाती जैसा मैंने बेल लिया है। अब इस पे मैं क्या करूंगी कि पूरा जो स्टफिंग है उसको स्प्रेड कर दूंगी। इस तरह से मैंने पूरा जो मिक्सचर है उसको स्प्रेड कर लिया है। अब इसको हम रोल करेंगे। आप देख रहे हैं इसी तरह से हम पूरा पराठा जो है रोल कर देंगे। अब रोल करके ऐसा मैंने बना लिया। इस तरह से क्या होगा कि आपका स्टफिंग जो है हमारे पराठे से बाहर नहीं आएगा। अब इसको फिर से हम बेल लेंगे। अब देख रहे हैं कि पराठा हमारा अच्छे से बेल चुका है और स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आया है। यहाँ पे तवा हमारा गर्म हो चुका है तो पराठा हम इस पर डाल देंगे। एक तरफ से पराठा सीखने के बाद हम पराठे को पलट देंगे। पराठे में क्या करेंगे कि दोनों साइड से हम देसी घी अच्छे से हम लगा लेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि देसी घी जो है होता है पराठों को और अच्छा बेहतरीन टेस्ट देता है। घी लगाने के बाद हम दूसरा साइड भी पलट देंगे और दूसरे साइड भी घी अच्छे से लगा देंगे। तो तैयार है हमारा आलू का बेहतरीन सा पराठा। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें एंड मुझे बताएं कि कैसा लगा मेरा रेसिपी आपको। और अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।